हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम इलेक्ट्रिसिटी करने जा रहे हैं, क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम देने वाला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी ही है। आपको अगर फुल मार्क्स 80 और 80 लाने से अगर कोई रोक सकता है तो वो यही चैप्टर है। मैं आपको बिल्कुल 0 से 100 तक कराने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, क्या मीनिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्या 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 चीजें होती है, चार्ज क्या होता है, सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। और इसका हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, बेसिक सीखते हैं पहले। तो टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हम, इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है, स्विच क्या होता है, सर्किट क्या होता है, चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रिक, ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आपका बना है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड इलेक्ट्रॉन से बना है। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। अच्छा, हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, नील बोर ने हमें बताया था 9th क्लास में, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के बीच में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा होता है? रोटेट कर रहा होता है इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन ही बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास। अच्छा, उल्टा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बीच में रहे और प्रोटोन रिवॉल्व करे? ऐसा नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के 2000 टाइम्स कम होता है। मतलब मान लो प्रोटॉन बेचारा 2000 किलो का है, तो इलेक्ट्रॉन आपका 1 किलो का, तो कोई वो थोड़ी ना इसकी वैल्यू फूक मारेगा उड़ के जाएगा। तो यही रीजन है प्रोटॉन हमेशा बीच में फिक्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या कर रहे होते हैं? रोटेट कर रहे होते हैं। प्रोटोन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता, है ना। तो स्टार्ट करें, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इधर स्टैटिकली और एज एन अकुमुलेशन ऑफ चार्ज और डायनामिकली एज अ करंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बीच में क्या है, बीच में आपका प्रोटोन फिक्स है ना, बीच में क्या है? प्रोटोन फिक्स है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये देखो रोटेट कर रहा है। ये देखो कितने मजे से इलेक्ट्रिसिटी ये डाउन कर रही है, बट इतने मजे से आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ये तो सारी शूटिंग होती है। यहाँ पे देखो कहीं इसको ये मत करो ना कि आज घर पे जाओ और दोनों उंगलियां अपनी डालो स्विच बोर्ड में और ये देखो कि मैं तो बन गया, आज से थॉर बन गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारी मूवीज होती है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन आपने ऊपर यहाँ पे देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी चमकती हुई, लाइटनिंग देखी होगी। कुछ पॉजिटिव बादल होते हैं, कुछ नेगेटिव बादल होते हैं, आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? बिजली कड़कती है। तो स्टार्ट करते हैं, सब कुछ होता कैसे? सबसे पहले हम चार डेफिनेशन की बात करेंगे। शुरू करने से पहले टॉपिक को हम चार डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन नंबर 1 है आपकी स्विच। डेफिनेशन 1 है आपकी स्विच। स्विच क्या होता है? आप सबके घरों में स्विच होता है, जो क्या करता है? स्विच ऑन ऑफ को करता है, ऑन करता है या ऑफ करता है चीजों को, अप्लायंसेस को या तो ऑन कर देगा या फिर ऑफ कर देगा। ठीक है, पहले हम स्विच का जरा सिंबल देखते हैं। सिंबल देखते हैं, मान लो ये है ऑन स्टेट और ये है ऑफ स्टेट। ऑन स्टेट को हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं, क्लोज्ड सर्किट, और ऑफ स्टेट को हम ओपन सर्किट कहते हैं। अब आपने कोई चीज को बंद किया, अब एक छोटा सा आपको सर्किट बना के दिखाता हूं। पहले ये मान लो ये बल्ब है, ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपकी हो गई बैटरी, ये हो गया आपका ऑन ऑफ का बटन जो कि ऑन पड़ा है, ये प्लस है और ये माइनस है। करंट हमेशा जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट ऐसे जा रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है और वापस आ रहा है। करंट हमेशा प्लस से माइनस जाता है, एक बात याद रखना। आपकी बैटरी होती है, बैटरी के प्लस से माइनस हमेशा करंट फ्लो करता है, हमेशा करंट प्लस से निकलेगा। तो बैटरी के प्लस से जाएगा, ये ग्लो करेगा, वापस आ जाएगा। अब देखो जब तक ये बटन ऑन रहेगा तब तक ये बल्ब ग्लो करेगा, जैसे ही ऑफ हो गया क्या होगा? बल्ब भी बंद हो जाएगा ना। तो डेफिनेशन इसी से बन गई इसकी, क्या? एक ऐसा डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेक और ब्रेक कनेक्शन इन अ सर्किट, मेक और ब्रेक कनेक्शन इन अ सर्किट, जो सर्किट में कनेक्शन को बनाता भी है और कनेक्शन को तोड़ता भी है। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड अ, इसको बोला जाता है स्विच। स्विच एक तरह का डिवाइस होता है जो कनेक्शन को बनाएगा भी और कनेक्शन को तोड़ेगा भी। अगर आप ऑफ कर दोगे तो कनेक्शन को क्या कर देगा? ये कनेक्शन को ब्रेक कर देगा।
कनेक्शन को ब्रेक कर देगा। अगर आप ऑन कर दोगे तो क्या कर देगा, कनेक्शन को बना देगा, कनेक्शन को क्या कर देगा, मेड कर देगा, मेक कर देगा। तो एक ऐसा डिवाइस होता है हम सबके पास और हम लगाते हैं इसको जान के, ताकि क्या हो, किसी भी अप्लायंस को ऑन या ऑफ कर सके। 24 घंटे तो आप नहीं चाहोगे ना कोई चीज ऑन रहे या कोई चीज ऑफ रहे, ठीक है। तो व्हाट इज द स्विच, डेफिनेशन नंबर वन है ये, एक ऐसा डिवाइस विच इज यूज फॉर मेकिंग और ब्रेकिंग कनेक्शन इन ए सर्किट, इसको हम ओपन कहते हैं। ओपन स्विच या ओपन सर्किट बोले तो ज्यादा क्लियर होगा, और इसको हम क्लोज सर्किट कहते हैं। अच्छा, ये बीच में डॉट है, डॉट का मतलब ये ऑन स्टेट है, बीच में डॉट नहीं है तो मतलब ये कौन सा स्टेट है, ये ऑफ स्टेट है। ये देखो, बंद हुआ कनेक्शन टूट गया, ऑन हो गया कनेक्शन बन गया, बंद हुआ कनेक्शन टूट गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको बैटरी दिखा रखी है, बैटरी का ये प्लस है, करंट हमेशा मैंने बताया था प्लस से माइनस जाता है, स्विच ऑन है बल्ब ग्लो करेगा और ये क्या होगा, करंट जाता रहेगा। जैसे स्विच ऑफ हो गया क्या होगा, ये कनेक्शन को तोड़ देगा। तो एक ऐसा डिवाइस जो कनेक्शन को बनाएगा भी और कनेक्शन को तोड़ेगा भी, इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड अ स्विच। ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आती है। नेक्स्ट, अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर टू जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने आपको एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट बना के दिखाया था, अभी एक बार फिर से देख लो। हमने क्या किया था, हमने एक बल्ब बनाया था, बल्ब का सिंबल होता है, या नीचे हमने बैटरी बनाई थी, ठीक है। बड़े वाला डंडा प्लस का है और छोटे वाला डंडा माइनस का है। ये रहा, करंट हमेशा जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जाएगा तो बल्ब क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो इसमें चल क्या रहा है, इसमें कंटिन्यूअसली करंट फ्लो हो रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे ही आप बटन को ऑफ कर दोगे करंट जाना बंद हो जाएगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या होता है, क्या हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, किसका किसका है ये, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। भाई जब तक ये ऑन रहेगा, जब तक ये ऑन स्टेट में रहेगा तब तक करंट जाता रहेगा, जाता रहेगा। तो कंटिन्यूअस, क्लोज पाथ क्यों बोला मैंने, क्लोज पाथ इसलिए लगाते हैं हम क्योंकि ये कहीं से टूटी भी नहीं है ना वायर, अगर ये कहीं से वायर टूटी होगी तो ओपन पाथ हो जाएगा, और वायर टूटी होगी तो बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। तो कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे घरों में जितना भी आप, जो आप अप्लायंस यूज करते हो या ट्यूबलाइट बल्ब जो भी यूज करते हो, सब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक बना होता है, और कहीं से तार टूटी तो नहीं होती ना, तभी वो कंटिन्यूअसली जा रहा होता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये देखो, ये ऑफ हुआ क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ है ना, ऑन हुआ फिर से बल्ब ग्लो कर गया, ऑफ हुआ क्या हो गया, बल्ब खत्म हो गया, डिम हो गया। करंट हमेशा जाता है, करंट जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपके सामने सर्किट बना हुआ है, पेपर में ऐसा बनाना है, पेपर में ये बल्ब बल्ब बनाने नहीं बैठना, बल्ब का सिंबल ये होता है, ये करंट जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, इसको एमीटर कहते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ इसका मतलब, ठीक है। तो दो डेफिनेशन क्लियर हो गई। पहला हमने पढ़ा क्या, पहला था आपका इलेक्ट्रिक स्विच, स्विच था, क्या था, अ डिवाइस यूज टू मेक और ब्रेक कनेक्शन इन ए सर्किट। दूसरा हमने पढ़ा कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। डेफिनेशन नंबर थ्री, चार्ज, तीसरी डेफिनेशन है चार्ज की। चार्ज क्या होता है, चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम का, ठीक है। चार्ज को देने वाले का नाम था कूलम, इसकी एसआई यूनिट इसीलिए चार्ज की क्या होती है, कूलम होती है, कूलम। और कूलम को हम साइंस में सी से डिनोट करते हैं, और चार्ज को हम साइंस में क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, ठीक है। अगर मैं बैटरी की बात करूं, बैटरी की, बैटरी में आपको पता है मैंने बताया ये प्लस होता है माइनस होता है, प्लस वाले को हम कहते हैं एनोड और माइनस वाले को हम कहते हैं कैथोड, और करंट हमेशा जाता है फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो चार्ज क्या होता है, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। और एक और बात, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब ध्यान से देखो, ये जो प्लस प्लस है, ये जो प्लस प्लस है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं। माइनस माइनस भी आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, प्लस माइनस आपस में क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो
ये क्या हुआ लाइक चार्जेस, ये भी क्या हुआ लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, और ये क्या हुआ अनलाइक चार्जेस, ये क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो प्लस प्लस होगा तो क्या करेगा रिपेल करेगा, माइनस माइनस क्या होगा तो रिपेल करेगा, और प्लस माइनस होगा तो क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चौथी डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर फोर, ये है इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी डेफिनेशन है ना मैं आपको फॉर्मूले से पढ़ाऊंगा, क्योंकि दो फायदे होते हैं इसके, अगर हम फॉर्मूला भी जान लेंगे और इससे हमारी क्या हो जाएगी आपकी डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। फॉर्मूला होता है आई का, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी। आई सिंबल किसका होता है इलेक्ट्रिक करंट का, क्या होता है क्यू अपॉन डी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी। क्यू क्या होता है हमारा, क्यू इज चार्ज, क्यू क्या होता है हमारा, क्यू हम चार्ज को कहते हैं, क्यू इज योर चार्ज। और टी पता ही होगा आपको, टी किसे कहते हैं, टी इज कॉल्ड टाइम। एक सेकेंड, ठीक है, तो क्यू क्या होता है आपका, क्यू आपका चार्ज होता है, और टी क्या होता है आपका, टी आपका टाइम होता है। ये होता है चार्ज और ये होता है टाइम। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, अब देखो डिवाइड बाय टाइम में मैंने क्या बोला, फॉर्मूला भी याद करेंगे और डेफिनेशन भी याद करेंगे, दो काम होंगे एक साथ। देखो कैसे, आपको थोड़ा सा मैं 9th से याद दिलाता हूँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एसेलेरेशन का, वी माइनस यू अपॉन टी। इसकी डेफिनेशन हम लिखते थे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी तो मेरा ये रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ, रेट ऑफ का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड बाय टाइम। तो आई का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अगर एक बात हमेशा याद रख सकते हैं इस चीज से हम, क्या कि जब भी डिवाइड बाय टाइम आएगा, जब भी डिवाइड बाय टाइम आएगा तो नाम में क्या लगेगा, नाम में आपका रेट ऑफ लगेगा, नाम में क्या लगेगा हमारा रेट ऑफ। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं इसमें रेट ऑफ, क्योंकि डिवाइड बाय टाइम आएगा तो मैंने क्या बताया नाम में क्या लगेगा रेट ऑफ लगेगा। रेट ऑफ क्या, ऊपर क्या बैठा है चार्ज है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। है ना, दो फायदे हो गए, आपको फॉर्मूला भी याद हो गया, डेफिनेशन भी याद हो गई। डेफिनेशन मैंने क्या बोली, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जब भी डिवाइड बाय टाइम होगा नाम में क्या लगेगा रेट ऑफ, रेट ऑफ क्यों, रेट ऑफ का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ ऊपर क्या है चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो मैंने बोला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अच्छा अब जरा निकालते हैं आगे डेफिनेशन के, 1 एम्पियर की, तो इसको मुझे 1 कूलम करना पड़ेगा, इसको 1 सेकंड करना पड़ेगा, बट आगे चलने से पहले ना तो चारों डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो जो हमने पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोटेड बाय आई, करंट को आई से डिनोट करते हैं, इसकी ऐसे यूनिट होती है एम्पियर, देने वाले का नाम है एंड्रे मैरी एम्पियर, इसको करंट को देने वाले का नाम है एंड्रे मैरी एम्पियर, इट इज एंड्रे मैरी एम्पियर। आप कभी नोटिस करना वीडियो के बाद चार्जर उठा के देखना उस पर ए कुछ लिखा होता है, आप कभी एमसीबी लेने जाओगे उस पर भी 32 एम्पियर लिखा होता है ऐसा कुछ। तो व्हाट इज ए, मतलब करंट की यूनिट है वो, और आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है क्यू अपॉन टी। तो हमने चार डेफिनेशन जानी, एक बार जरा उसको रिवाइज करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। पहला हमने जाना स्विच क्या होता है, अ डिवाइस यूज्ड टू मेक और ब्रेक, जो कनेक्शन को बनाएगा भी और तोड़ेगा भी। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, किसका इलेक्ट्रिक करंट का, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तीसरा हमने पढ़ा चार्ज, फंडामेंटल पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस प्लस क्या करेगा रिपेल, माइनस माइनस क्या करेगा रिपेल, प्लस माइनस क्या करेगा अट्रैक्ट। इसके बाद था इलेक्ट्रिक करंट, मैंने बोला था आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जब भी डिवाइड बाय टाइम होगा तो क्या लगेगा नाम में रेट ऑफ, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम बोलेंगे क्या इलेक्ट्रिक करंट। ये चार डेफिनेशन आपकी बेसिक्स है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें हमें दो फॉर्मूले पता लग गए, पहला हमने पढ़ा था आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अब दूसरा हम आगे पढ़ने वाले हैं क्यू इज इक्वल टू एन ए। ये मैं 2 मिनट आपको आगे कराता हूँ, 2 मिनट। पहले हम जानते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये वैल्यू फिक्स होती है, ये हमें याद रखनी है, कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁶ कूलम।
1.6 इंटू 10^-19 कूलम। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो इसकी वैल्यू फिक्स रहती है कि एक इलेक्ट्रॉन पे अगर आपसे डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछेगा कितना चार्ज होता है, इट इज 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैंने बताया ना, मैं दो फॉर्मूले पढ़ाए, एक है क्यू इज इक्वल टू एनई। पहले ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्यू इज इक्वल टू एनई। क्यू क्या होता है, क्यू होता है आपका चार्ज, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई होता है आपका ई ए रहा ई ए है ई क्या है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ई क्या होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो क्यू इज इक्वल टू एनई से हम कई सारी चीजें निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाई बताओ क्यू क्या होता है, क्यू होता है चार्ज, चार्ज कैसे यूनिट क्या होती है कूलम, इलेक्ट्रॉन की भी पता है आपको, इलेक्ट्रॉन की भी कूलम ही होगी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। एक बार जरा क्वेश्चन करते हैं इसके आगे, फिर और क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू एनई, क्यू क्या होता है चार्ज, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब देखो वो कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन वन कूलम ऑफ चार्ज। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या था, क्यू इज इक्वल टू एन ए, वन कूलम मतलब क्यू क्या है मेरा वन कूलम, एन मुझे नहीं पता, ई की वैल्यू फिक्स रहती है, मैंने अभी बताई थी कितनी थी 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। सॉल्व करें इसको, ये नीचे आ गया, ये हो गया, ठीक है। माइनस 19 क्या मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, इसका डेसिमल हटा के जीरो लगा दूं, तो ये हो गया 10/16 इंटू 10^19 एन। ठीक है, अब एक जीरो में इसको दे दूं 19 का मैं एक जीरो इसको दे दूं, इसको मैं लिख सकता हूं 100 इंटू 10^18 अपॉन 16, ये 4 पे जाएगा 25 को 4 से डिवाइड करोगे ये आएगा 4.625 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वैल्यू भी मैं डायरेक्टली याद रख सकता हूँ, आपको फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। क्या कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको दो वैल्यू याद कराई, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये था 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट इज 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पेपर में पूछ ले हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 4 कूलम ऑफ चार्ज, तो क्या करेंगे 4 × 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वैल्यू याद है तो हम डायरेक्टली यूनिटरी मेथड का भी यूज करके हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो 6.25 ये दो वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, डायरेक्टली एमसीक्यू में आते क्वेश्चन इससे 1 marker डायरेक्टली, नहीं तो अगर नहीं आता तो हम निकाल भी सकते हैं ऐसे। कितना आएगा 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे चले, 1 ampere, व्हाट इज 1 ampere, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो इसकी यूनिट थी एम्पियर, चार्ज की थी कूलम, टाइम की थी सेकेंड। अगर मैं आपसे बोलू 1 ampere बता दो, तो क्या ये 1 coulomb / 1 second होगा, तो डेफिनेशन बना लो। ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो 1 ampere क्या होगा 1 coulomb / 1 second, 1 coulomb / 1 second। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I क्या था 1 ampere, चार्ज का क्या होगा 1 coulomb, और टाइम का क्या होगा 1 second। तो वट इज 1 ampere, 1 ampere क्या होगा, वेन क्या कह सकता हूं, वेन 1 coulomb ऑफ चार्ज, जब 1 coulomb चार्ज हो फ्लो होगा, फ्लोज इन, जब 1 coulomb चार्ज फ्लो होगा 1 second में, मैं बोलूंगा करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है मेरा 1 ampere का, 1 ampere का मेरा करंट जा रहा है जब 1 coulomb का चार्ज किस में फ्लो होगा, 1 second में फ्लो होगा। ठीक है, व्हेन 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 second, करंट की डायरेक्शन क्या होती है मैं वो बता चुका हूँ, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल आपकी बैटरी का जो प्लस साइन होता है, ये बड़े वाला डंडा प्लस का है, ये मैंने आपको बैटरी बना दी, प्लस माइनस करंट हमेशा प्लस से माइनस जाएगा। बट अगर आपसे एग्जैक्टली पूछ ले एग्जैक्टली क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की। ऑपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है? करंट की। मतलब अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो इलेक्ट्रॉन आपका राइट में जा रहा है ना, तो करंट आपका लेफ्ट में जाएगा। ये भी कई बार मनमाकर में आ जाता है, ठीक है। बट हम सीधे याद रखने के लिए क्या कह सकते हैं, ये मान लो आपकी बैटरी है, करंट हमेशा जाता है प्लस से माइनस। ये मान लो बल्ब है, करंट हमेशा जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखने के लिए हम ये बात याद रख सकते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, करंट को मेजर करने का भी एक डिवाइस आता है जिससे मैं करंट को मेजर करता हूँ। इस डिवाइस का नाम होता है एम्पियर, से ही वर्ड बना है वो एम्पियर से ही। इसका नाम है एम मीटर, इट इज कॉल्ड एम मीटर। सिंबल बड़ा सिंबल सा है, बीच में ए लगाना है बस। ये एम मीटर का सिंबल होता है। और ये लगता कैसे है, ये हमेशा सीरीज में लगा होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज? सीरीज का मतलब क्या होता है? आपने कभी वो देखा फेरी लाइट, दिवाली वाली लाइट है जो दिवाली पे अपने घरों में सजाते हो, वो सीरीज सर्किट होता है। सीरीज सर्किट का मतलब क्या हुआ? अगर एक खराब तो सारा खराब। इसके बारे में डिटेल हम आगे करेंगे, सीरीज सर्किट क्या होता है। तो एमीटर से मेजर करते हैं हम करंट को, और वो हमेशा लगता है किसमें? सीरीज सर्किट में। ये देखो, ये एमीटर है, ये एमीटर का सिंबल है। विद द हेल्प ऑफ एमीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, हमेशा कैसे लगेगा वो? सीरीज में लगेगा। करंट, छोटा अमाउंट ऑफ करंट कैसे मेजर करेंगे? अब आपको पता है, आपने देखा दिवाली वाली लाइट है जो दिवाली पे हम लगाते हैं अपने घरों पे, दिवाली लाइट्स, फेरी लाइट्स कहते हैं इनको। बहुत छोटा सा बल्ब होता है, इस छोटे बल्ब के लिए अगर मैं 1 एम्पियर डालूंगा करंट, तो क्या होगा? ये ब्लास्ट तक हो सकता है, खराब हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को हम मेजर करते हैं मिली एम्पियर से, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर से। मिली एम्पियर का सिंबल होता है एम ए, और माइक्रो एम्पियर होता है यू। यू को यहां कर दो, यू एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है, तो आप 1 मिली एम्पियर बता सकते हो किसके इक्वल होगा। 1 सेकेंड, आपसे पूछा जाए 1 मिली एम्पियर होगा 10 की पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर होगा 10 की पावर -6 एम्पियर। मतलब इसका मतलब हो गया 0.001 एम्पियर, और इसका मतलब हो गया 0.12345 6 एम्पियर। कितना छोटा करंट है ना। ये छोटा करंट किसको चाहिए होता है? फेरी लाइट्स को, जो बहुत छोटे छोटे बल्ब होते हैं, उनको ये अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। और इसको मेजर करने के डिवाइस में दिखाया था आपको, लैब में होते हैं आपके, हो सकता है आप में से कई बच्चों ने देखे भी हो। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, ये मिली एम्पियर है और ये आपका माइक्रो एम्पियर है। ये देखो, ये माइक्रो का सिंबल है -6, और मिली होता है आपका 10 की पावर -3। ये दिवाली वाली लाइट है जिसके साथ आप सेल्फी लेके कहते हो हैशटैग दिवाली, नहीं हैशटैग लगाते हो ना इसके साथ, तो ये सोचो ये भी आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रही होती है। ये इसका डिवाइस है, ये माइक्रो वाला है और ये मिली एम्पियर वाला है, ठीक है। अच्छा, इससे एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा बड़ा सिंपल सा। कह रहे हैं करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द सर्किट। करंट कितना गिवन है मेरे पास? 0.5 एम्पियर। टाइम कितना दे रहा है? 10 मिनट्स। बट आपको पता है मिनट्स इज नॉट द ऐसे यूनिट। कन्वर्ट करेंगे 10 into 60 कितना आएगा? इट इज 600 सेकेंड। फॉर्मूला क्या था? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई कितना है मेरे पास? 0.5। क्यू नहीं पता, टी कितना है मेरे पास? 600। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये होगा 0.5 into 600। इसको डेसिमल हटाओ, 10 लगेगा, काटेगा 6 5 जा, कितना आ गया मेरे पास? क्यू कितना आ गया? इट इज 300 कूलम। कूलम पता है ना यूनिट होती है उसकी, तो चार्ज कितना आ गया, कितना चार्ज फ्लो करेगा? इट इज 300 कूलम इज द आंसर। ये आपका आंसर आ चुका है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, आई होप आपको समझ आई होगी चीजें। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। या फिर मुझे पर्सनली अगर आप भेजना चाहते हो कोई डाउट की कुछ भी चीज, तो आप मुझे इस पे भेज सकते हो। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक आप इस वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स देखना, इसको रिवाइज करना, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।